हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है पाइथन वर्ल्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्लास बेस्ड व्यू कैसे बनाते हैं, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट डिटेल पेज जो कैसे बनाते हैं। तो पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज जो कैसे सर्व करेंगे। ओके, तो हम लोग ने ओवरव्यू में क्या देखा था कि यहाँ जो इमेज है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो देखते हैं कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पे स्लैश होगा और यहाँ पे करेंगे हम प्रोडक्ट और डिटेल करेंगे और यहाँ जो प्रोडक्ट की आईडी हम पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट, ये जो 24 आईडी है इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होगा उसके सारे डेटाज हमें शो हो जाएंगे, जैसे नेम, इमेज, प्राइस, ये सारे डिस्क्रिप्शन, ये सब शो हो जाएंगे। तो देखते हैं ये काम कैसे करेगा। तो इसको हटा देता हूँ और होम पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर आता हूँ और हम जो है इंडेक्स पेज पे चलते हैं या होम पेज जो होता है उस पर चलते हैं। तो ये होम पेज पे मैं आता हूँ और ये जो इमेज है इसमें मैं ये यूआरएल दूंगा एक, तो उस पर उस यूआरएल पे हम क्लिक करते ही प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हम चले जाएंगे। तो देखते हैं कैसे हम देंगे यूआरएल। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले पेज को और यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं एक ए टैग का यूज़ करूँगा, यहाँ पर ए टैग का यूज़ करूँगा और इस टैग को मैं अभी हटा दूंगा, अभी एंड नहीं कर रहा हूँ इसको। और इसमें मैं दूंगा एच आर एफ में मैं क्या दूंगा कि प्रोडक्ट डिटेल। और अब इसमें मैं क्या दूंगा, क्लास भी दे देता हूँ। तो क्लास दे देता हूँ, इसमें क्लास दूंगा इसमें BTN कर दे, बटन कर बना देता हूँ इसे। एक मिनट, क्या हो गया, सॉरी, इसके इस स्ट्रिंग के बाहर हम क्लास देंगे और इस क्लास में मैं दे दूंगा BTN। ओके, और अब मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगा। तो इस ए टैग के बाहर आता हूँ और यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा मैं और इस डिव को भी हटा देता हूँ, ये जो एंड हो रहा है इसको हटा देता हूँ। और अब इस डिव में एक क्लास दूंगा मैं और इसमें मैं कर दूंगा आइटम। ओके, सेव करते हैं और देखते हैं हमारा काम कर रहेंगे। सेव करते हैं और रन करते हैं और इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। तो यहां क्या हो गया फ्रेंड, ये ऐसे क्यों हो गया देख लेता हूं। ओके, तो यहां ए टैग और डिव को हमने बंद नहीं किया, तो यहां मैं डिव को बंद कर लूंगा। ओके, और यहां पे जो मैं ए टैग को भी बंद कर लूंगा ऐसे करके, सही है। अब सेव करते हैं और चलते पेज को रिफ्रेश करते हैं और अभी इमेज के ऊपर लेके चलते हैं। देखिए हैंड जैसा कुछ हो रहा कर्सर, ये अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ देखिए अभी प्रोडक्ट डिटेल पेज है नहीं हमारे पास। तो हम एक HTML पेज बना लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको अभी छोटा कर लेता हूँ और फिर यहाँ चलूँगा टेम्पलेट्स के ऊपर, राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल बनाऊँगा यहाँ HTML का और इसका नाम दूँगा प्रोडक्ट डिटेल कर दूंगा और एंटर करता हूँ। तो यहाँ हमारा जो HTML का पेज बन गया प्रोडक्ट डिटेल का। तो यहाँ पे मैं अभी इन सब कोड की हमें ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम एक्सटेंड वाला वो जो बेस है उसको यूज़ करूँगा, तो इसको सबको मैं हटा दूंगा और यहाँ होम पेज पे चलता हूँ और होम पेज में कुछ कोड मैं कॉपी करूँगा। तो ये दो कोड जो मैं इसको कॉपी करता हूँ और प्रोडक्ट डिटेल पेज पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे एंड ब्लॉक कर दूंगा। तो होम पेज पे चलता हूँ, लास्ट में जो हमारा एंड ब्लॉक है मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं H2 टैग का यूज़ कर लेता हूँ और इसमें मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट, ऐसे बस नाम दे देता हूँ कि हमारे दिखे कि हमारा पेज सर्व हुआ है। और अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, व्यू बना लूँगा। तो views.py में चलेंगे और यहाँ पे जो मैं एक व्यू क्रिएट करूँगा तो कर लेता हूँ डेफ प्रोडक्ट डिटेल करके और इसमें मैं क्या पास करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और इसमें मैं पास कर दूँगा HTML पेज। तो यहाँ कर दूँगा प्रोडक्ट डिटेल .html। तो यहाँ जो हमने प्रोडक्ट डिटेल वाला HTML पेज सर्व कर दिया, अब इसके लिए हमें URL बनाना पड़ेगा। मैं इसको
छोटा ही कर लेता हूँ, टर्मिनल ऑन रखते हैं अपना। और अब मैं यूआरएल में चलता हूँ और ये यूआरएल क्रिएट कर लेता हूँ प्रोडक्ट डिटेल के लिए। तो इस लॉगिन वाले को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा और एंटर करूँगा। पेस्ट करता हूँ इस कोड को यहाँ पे और यहाँ पे मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ चेंज कर लेता हूँ प्रोडक्ट और डिटेल। यहाँ देख लेता हूँ, पहले मैंने प्रोडक्ट डिटेल होम पेज पे चलता हूँ और यहाँ पे हमने यूआरएल में क्या दिया है, प्रोडक्ट डैश डिटेल। ओके सही है, तो यहाँ प्रोडक्ट डैश डिटेल कर दिया और यहाँ मैं करूँगा प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल। इसको हटा लेता हूँ और यहाँ भी नेम की तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है शायद, देख लेते हैं। प्रोडक्ट डिटेल कर लेते हैं, यहाँ पे सेव करता हूँ और अब चलते हैं पेज को। क्या हो गया, फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज व्यू। ओके, तो हमने इसे अभी जो है क्लास बेस्ड व्यू नहीं बनाया, फंक्शन बेस्ड व्यू है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सेव करता हूँ और अब सही हो गया। और अब चलते हैं और पेज को रिफ्रेश करता हूँ और अब किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट डिटेल पेज जो हमें सर्व हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे शो हो रहा है। तो हमें अभी यहाँ पे ऐसे नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा यहाँ प्रोडक्ट का कोई नाम या आईडी कुछ भी पास कर लेता हूँ। तो यहाँ चलता हूँ, नहीं पहले व्यूज़ में चलता हूँ और यहाँ पे जो है मैं प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लूँ, प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। और अब यहाँ क्या करूँगा, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। और इसमें गेट कैसे करूँगा मैं, गेट कैसे करूँगा एक मिनट देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉजिक आप लोग को क्या बताया था कि प्रोडक्ट डिटेल तो रहेगा और यहाँ पे रहेगा स्लैश करके और आईडी रहेगा यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट की जो आईडी रहेगी, तो उसे हम कैसे पास करेंगे। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ यूआरएल में हम आईडी पास करेंगे तो ये इसके आगे मैं स्लैश करूँगा और इसमें करूँगा इंट, ऐसे करेंगे हम इंट कोलन और इसमें करूँगा पीके। पीके का क्या मतलब फ्रेंड, प्राइमरी की। ओके, और अब चलता हूँ सेव करता हूँ इसको और व्यूज़ में चलता हूँ और यहाँ करूँगा पीके इक्वल टू पीके। तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट के बाद हमें पीके भी पास करना पड़े, सेव करता हूँ। और अब जो ये प्रोडक्ट को मुझे यहाँ कंटेस्ट के रूप में पास करना पड़ेगा तो इसको मैं यहाँ पे जो कॉमा करता हूँ और यहाँ डैश देकर के डिक्शनरी एक क्रिएट करूँगा और इसमें करूँगा प्रोडक्ट स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग में होगा फ्रेंड ये प्रोडक्ट जो है, सॉरी इसको हटा लेता हूँ। यहाँ करूँगा प्रोडक्ट और कोलन करके करूँगा प्रोडक्ट, सेव करता हूँ। और अब जो एचटीएमएल पेज में चलते हैं प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज में और यहाँ मैं क्या करूँगा प्रोडक्ट नेम पास कर लेता हूँ, प्रोडक्ट डॉट नेम। और ठीक है, प्रोडक्ट नेम ही अभी पास करता हूँ, सेव करता हूँ और अब चल के पेज को रिफ्रेश करता हूँ और किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्या हुआ हमें कि आईडी जो हमें नहीं मिला यहाँ पे। तो देखते हैं हम आईडी कैसे अब पास करेंगे, आईडी हमें यहाँ पे नहीं मिला। तो यहाँ होम वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट डिटेल जो है यूआरएल इसको मैं चेंज करूँगा, थोड़ा ऐसे मैं नहीं करूँगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज और इसमें करूँगा परसेंटेज परसेंटेज और इसमें कर दूंगा प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल डिटेल किया। और यहाँ पे जो है इस स्ट्रिंग के बाहर मैं क्या करूँगा प्रोडक्ट डॉट आईडी पास कर दूंगा। तो अब जिससे कि प्रोडक्ट डिटेल तो यूआरएल रहेगा और उसके बाद जो है प्रोडक्ट आईडी हमें मिल जाएगा। तो अभी पेज को रिफ्रेश करता हूँ और चलता हूँ, देखता हूँ काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट डिटेल एक्सपेक्टेड एम्प्टी और एंड फॉर, एक मिनट देख लेता हूँ यहाँ पे क्या हमें एरर आ गया। प्रोडक्ट डिटेल ओके, यहाँ गैप देता हूँ थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो एक चीज़ भूल गए, यहाँ में लिखना यूआरएल, इस वजह से मैं एरर आ रहा था। सेव करता हूँ और अब चलता हूँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ।
तो यहाँ देखिए हमें जो होम पेज शो हो गया। अगर अब मैं इस इमेज के ऊपर लेके जाता हूँ तो आप लोग नीचे देखिए फ्रेंड कि हमारा लोकल होस्ट है, यूआरएल जहाँ पे हमें शो होता है लोकल होस्ट है, प्रोडक्ट डिटेल और स्लैश करके इसकी आईडी है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यूआरएल पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट डिटेल और प्रोडक्ट की जो आईडी है वो हमें यहाँ सर्व हो गई। और ये देखिए प्रोडक्ट नेम जो हम लोग ने पास किया था एचटीएमएल पेज में वो हमें यहाँ पर शो हो गया। ओके फ्रेंड, तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो हम लोग ने देख लिया कि प्रोडक्ट डिटेल पेज कैसे सर्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक अच्छा सा प्रोडक्ट डिटेल पेज कैसे शो करेंगे कि जिसमें प्रोडक्ट की इमेज हो, डिस्क्रिप्शन हो और उसकी प्राइस हो और ऐड टू कार्ट की बटन भी हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।